गाइस अभी वाईफाई कॉलिंग का बहुत ज़्यादा चर्चा चल रहा है, चाहे जियो या एयरटेल दोनों ने वाईफाई कॉलिंग इनेबल कर दिया इंडिया में। पहले तो एयरटेल ने इंडिया में वाईफाई कॉलिंग इनेबल किया, उसके बाद जियो ने भी वाईफाई कॉलिंग इनेबल कर दिया इंडिया में। तो इस पर आप वॉइस कॉल भी कर सकते, वीडियो कॉल भी कर सकते। क्या है ये वाईफाई कॉलिंग, इसमें पैसा लगेंगे या नहीं लगेंगे, आपके सिम में जो आपने पैक डलवाया उससे पैसा कटेंगे या नहीं कटेंगे, आपके जो वाईफाई है वाईफाई से जो MB कटेंगे या नहीं कटेंगे, इसका एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस सारे चीज़ इस वीडियो में मैं क्लियर कर दूंगा। और हाँ, इससे रिलेटेड और एक चीज़, बहुत सारे ट्रस्टेड यूट्यूब चैनल्स जिनका मिलियंस में 1 मिलियन 2 मिलियन सब्सक्राइबर है, मतलब बहुत सारे मैंने उनके ऐसे भी वीडियो देखे जहाँ पे वो लोग गलत बता रहे हैं कि यहाँ पे पैसा जो कॉल कॉस्ट कटेगा या नहीं कटेगा उसके बारे में गलत बता रहे थे, तो उसको भी मैं क्लियर कर दूंगा। सो गाइस, सबसे पहले वाईफाई कॉलिंग मीन्स आपका स्मार्टफोन अगर वाईफाई से कनेक्ट है तो आप डायरेक्टली वाईफाई के थ्रू आप कॉल कर सकते हैं। अब आप सोचेंगे अगर आप वाईफाई के थ्रू कॉल करेंगे तो मान लीजिए मैं आपको कॉल कर रहा हूँ वाईफाई के थ्रू, तो आपका फ़ोन में कौन सा नंबर डिस्प्ले होगा या नंबर कोई डिस्प्ले ही नहीं होगा। तो जी हाँ, आपका फ़ोन में डिस्प्ले होगा नंबर, मेरा सिम का नंबर आपको शो होगा, वाईफाई का नेम आपको शो नहीं होगा, मेरा सिम का नंबर आपको शो होगा अगर मैं आपको कॉल करता हूँ वाईफाई के थ्रू। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गया होगा कि आपका नंबर कौन सा शो होगा। अब इसके बाद इसको इनेबल कैसे करते हैं इससे तो मैं बाद में बताऊंगा, इसके लिए एक सेपरेट वीडियो भी दिखा के मैं बता दूंगा। तो इसके बाद बात करते हैं वाईफाई के थ्रू आप कॉल करें तो आपको मोबाइल डेटा मीन्स आपको मोबाइल में जो पैक डलवाया उसमें से पैसा कटेंगे, कॉल कॉस्ट कटेंगे या आपके वाईफाई के जो डेटा है वो कटेंगे। तो देखिए, सबसे पहले इसमें दोनों ही चीज़ कटेंगे, तो इसके लिए मैं एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस थोड़ा देर बाद बताऊंगा, इसको पहले क्लियर कर देता हूँ कि अब आप वाईफाई के थ्रू कॉल कर रहे हैं मीन्स आपको वाईफाई के सिग्नल के थ्रू आपका कॉल हो रहा है, मीन्स आपका जो वाईफाई में डेटा है वो डेटा कटेंगे, बट बहुत ज़्यादा अमाउंट में नहीं कटेंगे, वॉइस कॉल में वीडियो कॉल में थोड़ा ज़्यादा अमाउंट में कट सकते हैं। ये चीज़ आपको क्लियर हो गया होगा कि आपका जो वाईफाई के डेटा है वो आपका जरूर कटेगा। एंड हाँ, इसके साथ ही आपको कॉल कॉस्ट कटेंगे कि नहीं, कॉल का जो कॉस्ट होगा वो होगा लगेगा कि नहीं। तो देखिए, इसमें बहुत सारे यूट्यूबर्स बहुत सारे बड़े बड़े चैनल्स मैंने देखा कि वो लोग बता रहे कि इसमें कोई भी कॉल कॉस्ट नहीं कटेगा, बट नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। आपका जो कॉल है कॉल का कॉस्ट ऐसा लगता है आपका जो प्लान डलवाया है आपने उसका हिसाब से आपका पैसा कटेगा आपका फ़ोन का। मीन्स आप मान लीजिए जियो का यूज कर, जियो नहीं छोड़िए, आप जियो को आप एयरटेल मान लीजिए यूज करते हैं, आप मान लीजिए 35 रुपीज़ आपका बैलेंस है और ऐसे आप 1 मिनट कॉल कर लीजिए, मान लीजिए कि आप अगर 1 मिनट कॉल करते ऐसे आपका फ़ोन से तो आपका 1 रुपया अगर कटता है, तो वैसे आप अगर वाईफाई के थ्रू भी आप एयरटेल का सिम यूज से करके करते हैं कॉल, मीन्स आप एयरटेल का सिम अपना फ़ोन में यूज कर रहे हो और आप वाईफाई के थ्रू कॉल कर रहे हैं तो 1 मिनट में आपका 1 रुपया कटेगा आपका फ़ोन से और वाईफाई का डेटा भी कटेगा। अब आपको लग रहा हो कि मेरा मोबाइल का पैसा भी कटेगा और वाईफाई का डेटा भी उड़ेगा, तो फिर मेरा फ़ायदा क्या होगा। तो जी हाँ, अब एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस का बात करते हैं। सो गाइस, देखिए बहुत बार आपके साथ ऐसा होता है कि आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं और आपका सिग्नल बहुत ही ख़राब आ रहा है, मीन्स आपका एक ही नेटवर्क आ रहा या तो दो नेटवर्क आ रहा, आपका जो सिग्नल का नेटवर्क दिखा रहा था उसमें आपको बहुत ही ख़राब नेटवर्क आ रहा और आप कॉल कर रहे, कॉल में बात कर रहे तो आपका आवाज़ कट कट के आ रहा है। उस कंडीशन में आप क्या करेंगे, आपका अगर वाईफाई सामने अगर आपको मिलता है तो आप वाईफाई से कनेक्ट अगर करते हैं तो फिर वहाँ उस कंडीशन में आप अगर कॉल करते हो वाईफाई से कनेक्ट करके तो उसमें क्या होगा, आपका बहुत ही अच्छा क्वालिटी का वॉयस या वीडियो कॉल आप जो भी कर रहे हैं बहुत ही अच्छा क्वालिटी का आएगा, उसमें आपको क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना पड़ेगा। यानी कि आपका अगर सिग्नल बहुत ही ख़राब है तो उस कंडीशन में आप वाईफाई का यूज करके कॉल कर सकते हैं, उसमें आपको कोई भी कॉल ड्रॉप इशू नहीं आएगी। तो ये एडवांटेजेस हो गया, बट इसमें डिसएडवांटेज यही है कि आपका वाईफाई का डेटा भी उड़ रहा है और साथ में आपका मोबाइल का जो पैसा है वो भी कटेगा। इसके बाद और एक चीज़ डिसएडवांटेजेस मैं आपको कहना चाहूँगा, आप जैसे कहीं जंगल वाले एरिया से ट्रैवल करें तो वहाँ पर जनरली वह सिम का एकदम नेटवर्क नहीं है, तो उस कंडीशन में आपका कॉल नहीं कर पाएंगे, आप कॉल प्लेस नहीं कर पाएंगे, आपका एटलीस्ट 1 सिग्नल होना चाहिए, 1 होने से भी सिग्नल होना चाहिए, तब जाके आप वाईफाई के थ्रू कॉल कर सकते, कॉल प्लेस कर सकते। यानी कि आप फ्लाइट मोड में फ़ोन को रख के आप वाईफाई के थ्रू कनेक्ट करके कॉल नहीं कर सकते, ये डिसएडवांटेज है। अब देखिए बात आ जाता है कि आप इसे यूज कैसे करेंगे, आपको फ़ोन में ये इनेबल मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो बहुत सारे फ़ोन में ये जिसमें भी 4G का सपोर्ट है, मच्छर हट यार, जिसमें भी 4G का सपोर्ट है उन सारे स्मार्टफोन में मेनली देखने को मिल जाएगा, बट जिसमें 4G वोल्टी सपोर्ट नहीं है उसमें आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो 4G वोल्टी सपोर्ट होना चाहिए, उसके बाद भी बहुत सारे स्मार्टफोन में 4G वोल्टी होने के बाद भी नहीं रहता है, तो उसमें हो सकता है कि अभी जैसे आया है वाईफाई कॉलिंग तो धीरे धीरे
जो कंपनी है, जिस कंपनी का स्मार्टफोन, वो सॉफ्टवेयर अपडेट दे के आपको वाईफाई कॉलिंग इनेबल कर दे फोन में। तो अगर आपका फोन में वाईफाई कॉलिंग इनेबल्ड, मीन्स आपको फोन में अगर वाईफाई कॉलिंग दिया गया तभी आप वाईफाई कॉलिंग कर सकते हो, और इसके लिए आपको कोई भी अलग से ऐप इंस्टॉल करना नहीं पड़ेगा। आपका जो फोन में डायरेक्ट जैसे कॉल करते हैं वहीं से आप वाईफाई के थ्रू कॉल कर सकते हैं। तो एक एडवांटेज हो जाता है यहाँ से कि आपको कोई भी थर्ड पार्टी ऐप इंस्टॉल करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। हाँ, इसे इनेबल कैसे करना है, आपको सेटिंग में जाना है, सेटिंग में जाकर सिम कार्ड मैनेजर में जाना, वहाँ पर आपको वाईफाई कॉलिंग का ऑप्शन मिल जाएगा अगर आपका फोन में वाईफाई कॉलिंग दिया गया। तो इसके रिलेटेड मैं एक और एक वीडियो बनाऊंगा जरूर, जिसमें मैं आपको वाईफाई कॉलिंग दिखाऊंगा कि लाइव कैसे वाईफाई कॉलिंग होता है, कैसे कर सकते हैं आप कैसे इनेबल करके कॉल कर सकते हैं, तो ये चीज़ आपको दिखाऊंगा। एंड हाँ, ये जो मुझे बहुत ही ख़राब लगा यार, कुछ बहुत सारे ट्रस्टेड यूट्यूबर्स की ऐसा बता रहे कि कॉल कॉस्ट नहीं लगी है, तो ये चीज़ गलत है। आपको कॉल कॉस्ट लगी है अगर आप वाईफाई के थ्रू कॉल करते, तो ये ट्रस्टेड चैनल यार सब्सक्राइब करके रख लेना, लाइक भी कर देना, वीडियो को शेयर जरूर करना सबके साथ, क्योंकि वाईफाई कॉलिंग नया टेक्नोलॉजी आ रहा है, तो सबके साथ शेयर कर लो यार, सबको पता चलना चाहिए। बाय।